नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आ गया हूं उदयपुर में और आज यहां से मैं आपको देने वाला हूं सैनिटरी नैपकिन मेकिंग बिजनेस के बारे में सारी जानकारी कि किस तरह से आप सैनिटरी नैपकिन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, किस तरह से इसका एक लघु उद्योग आप सेटअप कर सकते हैं और अपने गांव क्षेत्र में ही रहकर इस बिजनेस को किस तरह से सुचारू रूप से आप चला सकते हैं, कैसे इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काम करती है, कैसे ये सैनिटरी नैपकिन जो है बनाया जाता है, कैसे इसकी पैकिंग होती है, कितना इसमें लागत आएगा, कितना मुनाफा आप इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। शुरू करने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, कर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं पल्वराइजर मशीन। पल्वराइजर मशीन का जो काम है वो है गुड़पल को क्रश करना। इसके अंदर हम लोग हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट गुड़पल को क्रश करते हैं। गुड़पल को क्रश करने का तरीका ये है कि इसके अंदर गुड़पल के लंप जो है वो उसमें डालते जाते हैं हम लोग। वो डालने के पश्चात ये ब्लोअर बेस्ड सिस्टम से ये हम लोगों के बेग में गुड़पल का क्रशिंग होकर के मटीरियल इकट्ठा होता जाता है। ये फर्स्ट मशीन है हमारे पूरे प्लांट का जिसको बोलते हैं पल्वराइजर मशीन। ये दिन में सुबह 2 घंटे चलता है और पूरे दिन काम करने जितना मटेरियल हमें इकट्ठा करके दे देता है। अभी जैसा कि आपने देखा पाइन वुड से जो ये पल्प निकलता है उस पल्प को हमने इस मशीन के जरिए इस तरह से जो है इसे बारीक कर लिया है। इस मशीन का काम इतना है कि ये जो पाइन वुड का पल्प है वो उसको बिल्कुल बारीक कर देता है। पल्वराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो अगली विधि आती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिंग। प्रेसिंग के अंदर जो क्रश होकर के वुड पल्प आया हुआ है हम लोग उस पल्प को इन खाचों में भरते हैं। ये खाने में जैसे हम लोगों ने ये भरे हुए हैं इस तरीके से हमारा जो क्रश वुड पल्प होता है वो क्रश वुड पल्प हम लोग ऐसे कोर, इसको हम लोग बोलते हैं कोर फॉर्मिंग प्रोसेस। ये इस तरीके से इसमें फिल करने के बाद में हम लोगों के जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स हम लोग ऐसे रख देते हैं। ब्लॉक्स रखने के बाद में ये हमारा प्रेसिंग मशीन रहता है न्यूमेटिक प्रेसिंग। ओके, इसके अंदर इसको स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद में ये पूरा मशीन जो है फुटवाल की मदद से ऑपरेट होता है। तो नाउ डन, अभी हम लोगों का जो ब्लॉक है वो प्रेस हो चुका है और इसका हम लोगों को केक बन गया है। इसको उठाने का तरीका ये, यहाँ से ब्लॉक को पकड़ के हम लोग खींचेंगे और ये हमारे ब्लॉक निकल के बाहर आ जाएंगे। ये हम लोगों का कोर फॉर्मिंग हो गया। अभी आपने देखा कि हमने सबसे पहले इन पल्प को क्रश कर लिया था और क्रश करने के बाद हमने इस मशीन के प्रेसिंग मशीन के मदद से हमने डाई लगा के इस पल्प को इस तरह से जो है शेप में कर दिया है। मशीन की बात करें तो इस मशीन में आप बिल्कुल वहां पे देख सकते हैं कि एक पैर से संचालन करने वाला यंत्र लगा होता है और जैसे ही आप उसे दबाते हैं यहाँ पे ये मशीन जो है सांचे को प्रेस कर देता है, यानी कि जो हमारी डाई लगी उसको प्रेस कर देता है। ये जो मशीन है इसको हम बोलते हैं सीलिंग एंड एम्बोजिंग मशीन, जो थर्ड प्रोसेस के अंदर यूज में आती है। सीलिंग एंड एम्बोजिंग मशीन के अंदर हम लोग हमारा रॉ मटेरियल लेयर बाय लेयर रखते हैं और उसका एक सैंडविच बनाते हैं जिससे हम लोगों का केक फॉर्मिंग पूरा सीलिंग एंड एम्बोजिंग हो जाता है। फर्स्ट जो है हम लोग रखेंगे पीई शीट, इसको बोलते हैं पॉली इथाइलिन शीट। ओके, ये हम लोगों का स्लाइडर के अंदर हम लोग पीई शीट को रख देते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो सेकंड प्रोसीजर जो हमने किया था प्रेसिंग के थ्रू जो हमारा कोर फॉर्मिंग हुआ था वो कोर फॉर्मिंग का केक हम लोग इसके अंदर फिल करेंगे। तो कोर फॉर्मिंग से हमारा को केक मिला था, हमने इसके अंदर फिल कर दिया है वो पूरा। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है वो है हमारा फर्स्ट टॉप लेयर जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रेड का नॉन वूवन। ओके, हम लोगों ने ये नॉन वूवन भी इसके ऊपर रख दिया। ये हम लोगों का तीन लेयर एक हो गया, फर्स्ट हमारा पी, सेकंड हमारा वुड पल्प शीट जो प्रेसिंग से बना था, थर्ड हमारा नॉन वूवन। इसके बाद में हम लोग मशीन के अंदर ट्रे को स्लाइड कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली एम्बोजिंग एंड सीलिंग हो चुका है।
पूरा जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन आ गया और इसका जो साइड का पूरा सीलिंग होना चाहिए था वो सील हो चुका है ये कम्प्लीटली। जैसा कि आपने अभी देखा कि पिछले वाले मशीन में हमने इसको इस आकार में ढाल दिया और अब इस मशीन के जरिए हमने जो है यहाँ पे प्रेस करके इसे इस आकार में बना दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे का प्रोसेस। जितने भी सारी मशीनें संचालित हो रही हैं वो सारी आप देख सकते हैं वहाँ पे एक एयर प्रेशर मशीन लगा हुआ है, उसी के जरिए सारी मशीनें जो है संचालित हो रही हैं। इस मशीन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें भी एक पैर से संचालन करने का यंत्र लगा हुआ है। यहाँ से आप इस मशीन का संचालन कर सकते हैं। जैसे ही आप दबाएंगे यहाँ पे आपको जो है ऊपर का जो प्रेस मशीन है वो नीचे आता है। 5 तक आपको गिनती करनी है और गिनती करने के बाद उसे हटा लेना है। अभी हमने तीसरे प्रोसेस में किया था एम्बोजिंग एंड सीलिंग। अब हम लोगों का मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड रहता है कि उसको विंग चाहिए, विदाउट विंग चाहिए। कोई बोलता है हम लोगों को विंग्स ब्रॉड चाहिए, नीचे से ब्रॉड चाहिए, वो सब पॉसिबल है इस मशीन के थ्रू। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिमिंग मशीन। ट्रिमिंग मशीन के अंदर हम लोगों के डाई ब्लॉक के ऊपर हम लोग ये जो हम लोगों ने एम्बोजिंग एंड सीलिंग किया है इस प्रोडक्ट को डाई ब्लॉक के साथ में रखते हैं। डाई ब्लॉक के ऊपर सेट करने के बाद में हम लोग ये प्लेट इसके साथ में रखते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग मशीन के अंदर इसको गो थ्रू कर देते हैं। गो थ्रू होने के बाद में जैसे ही हम लोग इसको चेक करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमारे को कटी हुई कंडीशन में मिलता है। ये हम लोगों का विंग्स का शेप आ गया है। अब ये प्रोडक्ट विद विंग वाला प्रोडक्ट बन गया है, सेम एज लाइक अ स्टेफ्री सिक्योर। किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर में ये सेम विंग्स वाला प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है। अगर हम इसके क्वालिटी की बात करें सर तो इसका जो बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट में हैं उसके तुलना में इसका क्या क्वालिटी है? बेसिकली अगर बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी डिपेंड करती है IS स्टैंडर्ड के ऊपर। IS स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एक नेपकिन का एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी 70-80 ml तक होना चाहिए विद इन 5 मिनट। और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे द्वारा जो बनाया गया उत्पाद है, इसका एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी इज अराउंड 70-90 ml। और ये किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट के कंपेयर के अंदर बिल्कुल खरा उतरेगा आपके क्वालिटी चेक के ऊपर। इसमें आपको कहीं भी कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ट्रिमिंग प्रोसेस होने के बाद में हम इसके ऊपर गमिंग का लाइनर चिपकाते हैं जो कि पीछे की तरफ से सिलिकॉन पेपर इस पे स्टिक रहता है। जब इसको यूज करना होता है तो सिलिकॉन पेपर को हटा करके आप लाइनर को यूज कर सकते हैं। ये गमिंग लाइनर होता है जो कि लाइन के ऊपर चिपक जाता है। ये लाइनर आपको इजीली हर कलर में अवेलेबल होता है, जो डिजाइन आपको चाहिए वो अवेलेबिलिटी हो जाती है डायरेक्टली। प्रोसेस के अंदर हम बात करेंगे हाइजीन की। इस पूरे प्रोडक्ट की प्रक्रिया को बनाने के बाद में हम लोगों को इस प्रोडक्ट को हाइजीन करना बहुत जरूरी है। हाइजीन करने के लिए प्रोसेस होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर यूवी स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट को किया जाता है। उससे उसका जो जर्म होता है उसका DNA ब्रेक हो जाता है और DNA ब्रेक होने के बाद में वो जर्म्स आगे अपनी क्रिया पूरी रोक देते हैं। तो इसको स्टरलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं यूवी ट्रीटमेंट स्टरलाइजेशन चेंबर। इस चेंबर का कैपेसिटी 2000 पीस का है। जितना आप दिन भर में प्रोडक्शन करते हो आप 10 मिनट के अंदर स्टरलाइज करके पैकेजिंग कर सकते हो, जितना भी प्रोडक्शन हो, जितना भी प्रोडक्शन हो आपका। जी जी। ये चेंबर स्टरलाइजेशन करने का मतलब ये हुआ कि आगे चल के इसमें कोई कीट ना लगे, कोई किसी तरह से ये खराब ना हो। इससे हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्धिकरण एक तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग प्रोडक्ट को चेंबर के अंदर इस तरीके से जमा देते हैं। जमाने के बाद में हम लोग चेंबर को बंद रख देते हैं। कभी भी चेंबर को खुले में स्टरलाइजेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी भी बॉडी के DNA को ब्रेक कर सकता है। ओके, तो हम लोग इस चेंबर को बंद कर देते हैं। चेंबर को क्लोज करने के बाद में इसको हम लोग ये नोब की सहायता से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम लोग ऑन करेंगे, इसके बाद में 10 मिनट के बाद में हम लोगों का समय अनुसार इसको ब्लॉक को बंद करना है और हमारा प्रोडक्ट स्टरलाइज हमें मिलेगा। अच्छा सर, इस मशीन को संचालन करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है? जैसे आपने कहा कि इसे ओपन नहीं करना, हमारा भी DNA ब्रेक हो सकता है। इसको मशीन करता क्या है? बेसिकली इसके अंदर यूवी रेज होती हैं, वो यूवी रेज जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। और यूवी रेज क्या होती है कि डायरेक्टली आई रेटिना के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो उसको भी वो कॉन्टेक्ट में ले सकती है। अच्छा। उसमें भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमेशा इस चेंबर को बंद करके काम करना, हम लोग कभी ओपनली उसको नहीं कर सकते। सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। यस, जब भी आप इस मशीन के माध्यम से या किसी भी मशीन के माध्यम से आप अगर सैनिटरी नेपकिन बनाएं, सबसे पहली चीज है हाथ में ग्लोव जरूर पहने। इससे क्या होता है कि मटेरियल जो प्रोडक्ट है वो हाइजीन रहता है। और नंबर 2 मैं बात करने वाला हूँ कि
सुरक्षा का ख्याल रखें इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। बिल्कुल, कभी भी ओपन करके इसमें जो है इस चीज का उपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होता है उस उत्पाद को पैक करना, उसका पैकेजिंग, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव वो प्रोडक्ट दिखता है उतना ही वो जल्दी बिकता है। ये हर बिजनेस का एक मोनोपोली आइटम है कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। ओके, तो हम लोग अगर बात करें पॉलीथीन की पन्नी की, तो ये जो है पॉलीथीन का जो पन्नी वो स्टार्ट हो जाता है 70 पैसे से लेकर के 100 पैसे, मतलब 1 रुपये तक की कॉस्ट का आपको पॉलीथीन मिल जाता है मार्केट के अंदर। आप अपना डिज़ाइन दे करके आप डायरेक्टली प्रिंटर को बोल के अपना प्रिंटिंग करवा सकते हैं, इसके लिए कोई वो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। जैसे तो ये हम लोगों पॉलीथीन का पाउच है। हाँ, ये पॉलीथीन का पाउच है जो कि हम लोगों के पास भी डायरेक्टली हम लोग मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं और वो सीधे आ जाता है। हम लोग सपोर्ट करते हैं आगे हमारे कस्टमर्स को भी कि हम लोग पॉलीथीन का पाउच भी बना करके दे सकें। इसके बाद में हम लोग इस पॉलीथीन के पाउच के अंदर जो हमारी जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है, या तो 7 का स्टैंडर्ड होता है या 8 का स्टैंडर्ड होता है, हम लोग अपने पैकेट के अंदर वो पेज लेते हैं और इसके अंदर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद में हम लोग हैंड सीलर की सहायता से इसको सील कर देते हैं। सर, ये हैंड सीलर वही है ना जो 1100-1200 रुपए की मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल जो सीलिंग के लिए यूज आता है पॉलीथीन, आप इजीली उस हैंड सीलर की सहायता से इस पॉलीथीन को पैक कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस उद्योग को शुरू करने के लिए आप देख सकते हैं, पहला मशीन वो रहा, दूसरी आपकी एक एयर कंप्रेस मशीन है, तीसरी ये मशीन है आप देख सकते हैं आपके सामने, चौथी मशीन यहाँ पे आपकी प्रेस मशीन है, ये आपकी सीलर मशीन है, चौथी मशीन यहाँ पे प्रेस मशीन है, ये ट्रिमिंग मशीन है, और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि वो स्टराइजर मशीन है। तो टोटल मशीन आपकी हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 मशीन के मदद से आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने आपको सैनिटरी नैपकिन बनाने का पूरा तरीका बताया कि किस तरह से इस सैनिटरी नैपकिन को आप बना सकते हैं, कैसे पैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल इसका जो है बहुत बेसिक सा रॉ मटेरियल रहता है, कोई बहुत बड़ी R&D नहीं है रॉ मटेरियल के लिए कि बहुत दुनिया का सबसे महंगा माल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे सस्ती कीमत का मटेरियल होता है। सबसे पहली चीज़ जो यूज़ होती है, सबसे नीचे की तरफ जो लगती है, जिसको बोलते हैं ब्रीदेबल फिल्म या बहुत सारे उसके नाम है, वो होती है बेसिकली PE शीट, पॉलीइथाइलिन की फिल्म होती है जो कि GSM में आती है। 15 से 17 GSM तक का माल हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इजीली वो अवेलेबल रहता है मार्केट में। अगर आपको खरीदना है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, नहीं तो हम लोग सप्लाई रेगुलरली रॉ मटेरियल की देते हैं। सेकंड जो इंग्रेडिएंट होता है वो है वुड पल्प। वुड पल्प जो है वो कनाडा से पाइन के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर से वो पल्प को रिफाइन करके निकाला जाता है और वो पल्प हम लोग सैनिटरी नैपकिन में यूज़ करते हैं, उसका एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी अच्छा होता है। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो आता है उसका टॉप लेयर, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक नॉन वोवन जो है वो एक तरीके से एक आर्टिफिशियल क्लोथ है जो कि इसी इंडस्ट्री के लिए मेनली अभी काम में आना चालू हुआ और हाइड्रोफिलिक ग्रेड का वो होता है। इसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट में सिलिकॉन पेपर लगता है, उसका गम लाइनर है, वो सब चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल है और हमारे थ्रू तो वो डायरेक्टली हम लोग सप्लाई देते ही देते हैं। जी जी, अब्दुल भाई ने हमसे प्रॉमिस किया है कि अगर आप में से कोई इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। जितना भी रॉ मटेरियल यहाँ पे लगता है वो सारे के सारे रॉ मटेरियल आप यहाँ से खरीद सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, और वो है पॉलीथीन का पाउच, है पॉलीथीन का पाउच। लेकिन उसके लिए अब्दुल भाई ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आपको सपोर्ट करेंगे, कहाँ से ये पाउच आपको मंगाना है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप इन्हें कहेंगे तो ये आपको एक बार मंगवा कर भी सब जो है दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे आपको। इसमें आप ब्रांडिंग कर सकते हैं आपके नाम की। बिल्कुल, आप अपने नाम से अपना जो भी ब्रांड आपको बनाना है आप वो करके अपना क्षेत्र में अपनी बहनों को सप्लाई दे सकते हैं। और हमारा जो मोटो है, हमारा मुद्दा ये है कि हमारे हर एक भारतीय वुमेन, जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं जो यूज़ नहीं करती, उन तक ये प्रोडक्ट पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे। और ट्राइबल एरिया में इस प्लांट को लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक एरिया को अगर आप कवर कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। और आप उधर अपना उद्योग के थ्रू आप ये समझिए कि आप किसी की परेशानी को सोल्व कर रहे हैं, न कि इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप सोल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बिजनेस का फ़ायदा ये है कि आप किसी की परेशानी को सोल्व कर रहे हैं। तो आप एक तरीके से बहुत अच्छा मुद्दा लेके चल रहे हैं भारत को स्वच्छ बनाने का, भारत की हर महिला को जिसको इसका यूज़ करना चाहिए आप लोग उनको एक प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं जो कि महंगा होने की वजह से वो कभी यूज़ नहीं कर पा रही थी। सही बात। और आज वो इस कीमत में प्रोडक्ट जब सस्ता बनेगा तो ऑब्वियसली बात है वो यूज़ करेंगी। तो यही इस बिजनेस का मेन मोटो है।
अच्छा, इस बिजनेस को महिलाएं भी काफी आसानी से कर सकती हैं। बहुत इजी है, जितनी भी मशीनरी है सारी मशीनरी चलाने में काफी आसान है। घरेलू घर पे जो महिलाएं हैं वो भी अपने घर में भी ये जो है प्लांट लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारा वो क्या आ रहा है पर पैड? बेसिकली अगर हम लोग बात करें सारा टेंटेटिव कैलकुलेशन करने के बाद में, तो पर पीस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें आता है 1.5 रुपया, मतलब 1 रुपया 50 पैसा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और एक पैकेट को तैयार करने का लागत हम लोग ये मान के चल सकते हैं, सारे हम लोग किराए की जमीन है एक्सपेंसेस सारा निकालने के बाद में 15 रुपये में हमारे को पैकेट घर में पड़ता है रेडी होकर के। यानी कि उसमें 7 पीसेस आते हैं और 15 रुपये में आपको सारे खर्चे काट के पड़ जाएंगे। अगर आप होलसेल में इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 20 से 22 रुपए के आसपास एक पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इसको सुचारू रूप से चलाएं तो काफी स्पीड में आप काम कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि कोई महिला है जो दिन भर 8 घंटे काम करती है तो कितना प्रोडक्शन निकाल सकती है सर? 3 से 4 महिलाओं को इसके अंदर एक ग्रुप बनाना पड़ता है और 3 से 4 महिलाएं मिलकर 2000 से 2200 पीस 8 घंटे की शिफ्ट में बना सकती है। 2000 से 2200 पीस 314 पैकेट एक दिन में आप बना सकते हैं। और कम से कम मुनाफे की बात करूं तो रोज के 1500 रुपए कम से कम आप कमा सकते हैं। अगर ज्यादा कमाना है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये बेसिक प्लांट है जो कि सेमी ऑटो प्लांट कहलाता है। इसका कीमत हम लोगों का 2 लाख रुपए एक्स फैक्ट्री है। इससे ऊपर जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है हमारे पास बहुत सारी रेंज के प्लांट्स है, 6-in-1 सेमी ऑटो, 8-in-1 सेमी ऑटो, फुली ऑटो, आपको जितने तरीके के प्लांट चाहिए हम लोग सारे कस्टमाइज करते हैं। वी हैव अ टेलर मेड सॉल्यूशन, हम तो एक दर्जी हैं साहब, आप अपनी रिक्वायरमेंट लेके आओ हम लोग प्लांट बना के देंगे। जी जी जी, जैसा कि आपने इस प्लांट को देखा है ये प्लांट सिंगल बनाने वाली प्लांट है, ये एक बेसिक प्लांट है, फिर भी आप इसमें इतना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका जो है पहले आप ये प्लांट लगाएं, मेरा राय ये होगा कि पहले आप ये प्लांट लगाएं, जैसे ही आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए और सेल ज़्यादा होने लगे तो आप इससे बड़े प्लांट लगा सकते हैं। उसमें 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 पैड एक साथ बनेंगे, तो आपको समझ में आया इसलिए हमने ये बताया। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो 5 रुपये पर पैकेट आप प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। और अगर लागत की बात करें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सर, तो कितनी लागत में ये व्यवसाय शुरू हो जाएगी? अगर हम लोग पूरे लागत की बात करें तो हम लोग अगर सारे एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टॉलेशन सब मान के चले तो 2.5 लाख रुपए का मोटा मोटा बजट होता है जिसके अंदर हम लोग ये प्रोडक्शन प्लांट चालू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये जो अब्दुल भाई का जो टीम है ये आपको पूरी ट्रेनिंग देती है कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। इंस्टॉलेशन भी आपके यहाँ ये लोग करवा देते हैं। इंडिया के हर कोने में और इंडिया से बाहर भी ये जो है मशीनें भेज सकते हैं। सो यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग और स्मार्ट आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए स्मार्ट आइडियाज और अपने माता पिता का कभी दिल ना दुखाएं। जय हिंद जय हिंद।